हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेस। सो आज हम स्टडी करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमारी हरियाणा की इकोनॉमी है वो कैसी है। हरियाणा एमर्ज हुई एज अ सेपरेट स्टेट ऑन नवंबर 1, 1966। जो हरियाणा स्टेट है उसने अचीव किया अ प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन, एंड जो हरियाणा स्टेट है ये फर्स्ट थी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द विलेजेस। हरियाणा स्टेट फर्स्ट स्टेट थी जिसने सभी विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया। सो हरियाणा अलॉन्ग विद द पंजाब इज़ कॉल्ड द ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया। हरियाणा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वीट की, एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है राइस की टू द नेशनल पूल ऑफ फूड ग्रेन्स। हरियाणा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस की, एंड हरियाणा स्टेट एक लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, एंड जो हरियाणा स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रेन्स की, पैसेंजर कार्स की, ट्रैक्टर्स की, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, एट्सेट्रा। सो जो हरियाणा है वो एक सेपरेट स्टेट बनी ऑन नवंबर 1, 1966। एंड जो हरियाणा स्टेट है, जो हमारी हरियाणा की इकोनॉमी है, ये मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड लार्जेस्ट सेकंड कंट्रीब्यूटर है वीट की, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है राइस की, एंड हरियाणा एक लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रेन्स, पैसेंजर्स कार्स, ट्रैक्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक मिक्सर्स की। नेक्स्ट कम्स द मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब जो हरियाणा की इकोनॉमी है उसमें डिफरेंट मेजर सेक्टर्स हैं। देर आर थ्री मेजर सेक्टर्स इन द हरियाणा इकोनॉमी। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज़ टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। सो हम इन डिफरेंट सेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट सेक्टर इज़ प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करेंगे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हरियाणा स्टेट का वो एक डेवलप्ड सेक्टर है, एंड जो हरियाणा है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस की अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एंड हमने अभी इंट्रोडक्शन में स्टडी किया कि जो हरियाणा है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वीट की, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है राइस की। सो जो हरियाणा इकोनॉमी का एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो क्या है? डेवलप्ड सेक्टर है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेवलप्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स, डेवलपमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो कम हो गया, बिकॉज जो सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्शियरी सेक्टर है इसमें इंक्रीमेंट होने लगा। एज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डेवलपमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था टू द हरियाणा इकॉनमी वो कम हो गया इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जो बिजनेसमैन्स थे वो अब टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगी as compared to the past decades. So primary और agriculture sector वो sector था जो developed sector था हरियाणा economy का, and जो हरियाणा है वो largest exporter है बासमती rice की, and second largest contributor रही wheat की, and third largest contributor रही rice की. So as the development proceeds, the proportionate contribution of the primary sector tends to decrease in comparison to the secondary and tertiary sector. Next comes the secondary sector. Secondary sector means industry sector.
जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। सो जो हरियाणा है वो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट थी इंडिया की एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी क्रेन्स की, कार्स की, ट्रैक्टर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स की। जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था टू द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, गैस एंड वाटर सप्लाई। सो जो सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था इस सेक्टर का टू दी डेवलपमेंट ऑफ दी हरियाणा इकोनमी। नेक्स्ट कम्स टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। दिस वन इज़ द थर्ड सेक्टर ऑफ द हरियाणा इकोनमी। टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल ट्रेड एट्सेट्रा। जो सर्विस सेक्टर है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, हरियाणा की इकोनॉमी का। जो सर्विस सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जो प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का वो क्या था, कम था इन कंपेरिजन टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी पर्सन्स की वो ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर। सो जो सर्विस सेक्टर था वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था इन द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ये थ्री डिफरेंट सेक्टर्स थे हमारी हरियाणा की इकोनॉमी के। एज़ द डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जो कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का टू द डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा इकोनॉमी वो कम था इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी डिफाइंड एज रिडक्शन इन मालन्यूट्रिशन, डिसीज़ेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज़। इकोनॉमिक की डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, इट मीन्स ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें इम्प्रूवमेंट होना, बट अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसकी इनकम में इंक्रीमेंट होना। इसके साथ साथ वो सभी फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ओवरऑल पूरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होना, इम्प्रूवमेंट होना। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी डिफाइंड एज कि जितने भी डिसीज़ेज़ हैं, जो पॉवर्टी का लेवल है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी कंडीशंस हैं और जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो सारी क्या हो, कम हो, रिड्यूस हो। सो इकोनॉमी की डेवलपमेंट तो ही होगी जब हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ओवरऑल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, डिसीज़ेस कम होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस कम होंगी, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो रिमूव होंगी, इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी। सो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जब ये कंडीशंस रिमूव होंगी तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी। सो नेक्स्ट कम्स द ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। अब जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी इसको हम टू डिफरेंट व्यू से स्टडी करेंगे कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे होगी। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जब एक इकोनॉमी की रियल इनकम इंक्रीज होगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इकोनॉमी की डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जब एक इकोनॉमी की रियल इनकम इंक्रीज होगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर एक इकोनॉमी की रियल इनकम इंक्रीज होगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि इकोनॉमी अब डेवलप कर रही है,
अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू। बट अगर हम बात करें मॉडर्न व्यू की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, देयर इज़ रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिसीजेज एंड इनइक्वालिटी। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इकोनॉमी कब डेवलप होगी? जब इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, एट द सेम टाइम जो पॉवर्टी है, जो इलिटरेसी है, जो डिसीजेज हैं, जो इनइक्वालिटी है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, वो क्या होंगी? कम होंगी। बट एट द सेम टाइम क्या होगा? रियल पर कैपिटा में इंक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, इकोनॉमी की डेवलपमेंट कब होगी? जब रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होगा, एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिसीजेज में क्या होगा? रिडक्शन होगा। नेक्स्ट कम्स द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फीचर्स क्या होंगे इकोनॉमी डेवलपमेंट के? फर्स्ट इज इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमी की डेवलपमेंट तो होगी जब रियल पर कैपिटा इनकम में क्या होगा? इंक्रीज होगा। रियल पर कैपिटा इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द रियल स्टेट इनकम विद द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अगर मैं अपने स्टेट की इनकम को डिवाइड करूँगी विद द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, तो मेरे पास क्या मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ? रियल पर कैपिटा इनकम। तो अगर रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होगा, तो इट मींस इकोनॉमी क्या होगी? डेवलप होगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज़। अगर इनकम को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो क्या होगा? इकोनॉमी का हर एक सेक्टर प्रॉपर वे में डेवलप करेगा, इक्वल डेवलपमेंट होगी। तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट तो ही पॉसिबल होगी जब इनकम इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होंगी। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इनइक्वालिटीज़ जहाँ पे होंगी, वहाँ पे इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ही होगी जब इनकम इनइक्वालिटीज़ क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो ही इकॉनमी अच्छे से डेवलप कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी इकॉनमी डेवलप। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो अच्छी होंगी तो ही इकॉनमी डेवलप कर पाएगी। लाइक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, जहाँ कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से इकॉनमी क्या होगी? डेवलप होगी। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इकॉनमी डेवलप होगी तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पर्सन्स का, वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। अगर इकॉनमी डेवलप होगी तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी होगी। लाइक जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स, वो भी क्या होंगे? डेवलप होंगे। अगर हमारी इकॉनमी ही डेवलप होगी तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। सो ये थे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट कम्स द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की इकॉनमी को डेवलप करने की नीड क्यों अराइज हुई? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अगर इकॉनमी डेवलप होगी तो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इनकम मीन्स कि टोटल जो स्टेट है उसकी इनकम को अगर मैं डिवाइड करती हूँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से, तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो पाएगी अगर इन केस मेरी इकोनॉमी क्या होगी? डेवलप होगी। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमी डेवलप होगी तो सबका क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, इम्प्रूव होगा पहले से। नेक्स्ट, लेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड हमें क्यों अराइज हुई? बिकॉज अब पहले क्या था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे या प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थी, बट अब क्या है, पर्सन्स ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी
ऑन द सेकेंडरी और प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर, तो जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर अब पर्सन्स लेस डिपेंड होने लगे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. जो पर्सन्स हैं उन्होंने अब स्टार्ट कर दी इन्वेस्टमेंट ऑन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तो जो पर्सन्स हैं उनकी डिपेंडेंस लेस होने लगी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड अराइज हुई. नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन होगा अच्छे से रिसोर्सेज का अगर इकॉनमी अच्छे से डेवलप होगी तो. नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अगर हमारी इकॉनमी डेवलप होगी तो इट मीन्स सभी पर्संस के लिए, टोटल पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी. नेक्स्ट, सॉल्यूशन मिल जाएगा टू द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो क्या होगी, दूर होगी अगर हमारी इकॉनमी अच्छे से डेवलप होगी तो. नेक्स्ट कम्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज़ नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स. सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होंगे. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर नेचुरल रिसोर्सेज का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूँगी तो इट मींस मेरी इकॉनमी की ग्रोथ होगी. जो ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो भी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे. तो अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूँगी, ऑप्टिमम उनका एलोकेशन करूँगी, तो जो मेरी इकॉनमी है वो क्या होगी, डेवलप होगी. Natural resources can make effective contribution to the economic development only when these are effectively utilized by the labor. Next comes labor and human resources. अगर मैं अपने labor और अपने human resources को अच्छे से utilize कर रही हूँ तो it means मेरी economy grow करेगी, मेरी economy develop करेगी. But अगर मैं अपने efficient labor को proper use नहीं करूँगी तो इट मींस मेरी इकॉनमी की डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी. सो जो मेरी एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड लेबर रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं मेरे पास, उनका मैंने अच्छे से मैक्सिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. अगर मैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करूँगी तो मेरी इकॉनमी डेवलप नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट कम्स द साइज ऑफ मार्केट. अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर मेरी मार्केट का साइज़ लार्ज है, इट मींस मुझे प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी होगी, मुझे एम्प्लॉयमेंट भी देनी पड़ेगी डिफरेंट पर्सन्स को, एंड अपनी मार्केट के साइज़ के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करनी पड़ेंगी, अपनी कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा, एंड मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी अपने फार्मर्स को, अपने ट्रेडर्स को. तो जो मेरी मार्केट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगी, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करूँगी एंड अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करूँगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दूँगी सभी एम्प्लॉयज़ को एंड उनकी रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ करूँगी. ठीक, तो जो इकॉनमी की डेवलपमेंट होगी वो इस वे में होगी. अगर एज अ बिजनेसमैन मैं अपनी मार्केट को एक्सटेंड करने के लिए डिफरेंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ अपने ट्रेडर्स को एंड अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही हूँ, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हूँ अपने वर्कर्स को, तो इससे क्या होगा, मेरी इकॉनमी डेवलप होगी. नेक्स्ट, कैपिटल आउटपुट रेशियो. अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक इकॉनमी की, वो इन्फ्लुएंस्ड होगी बाय द कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि कितना कैपिटल मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट. एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने कैपिटल की नीड है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो. सो
जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये लो होगी इन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, एंड ऑन दी अदर हैंड कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। सो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो भी इन्फ्लुएंस करेगी किसे, इकॉनमी की डेवलपमेंट के लेवल को। नेक्स्ट कम्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए। एक इकॉनमी की ग्रोथ तभी हो पाएगी जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने फर्म में डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट करेंगे। इट मीन्स अगर मैं इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करूँगी तो ही तो मैं डेवलपमेंट कर पाऊँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन की। सो इकॉनमी की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होगी, टेक्निकल प्रोग्रेस पे। अगर मैं न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करूँगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो इकॉनमी है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी। नेक्स्ट इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स। अब इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल, टेक्निकल नो हाउ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये सभी डिटर्मिनेंट्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़। सो ये कुछ इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होगी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। सो ये कुछ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स थे जिसकी वजह से क्या होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी। नेक्स्ट कम्स द नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। अब नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट। अब एक जो एंटरप्रेन्योर होगा या एक जो ऑनर होगा, जो एक बिजनेसमैन होगा, उसके माइंड में ये डिज़ायर भी होना चाहिए, मींस उसके अंदर ये डिज़ायर भी होना चाहिए कि हाँ उसे प्रोग्रेस करनी है या उसे डेवलपमेंट के लेवल को रीच करना है। ठीक, सो एक जो ऑनर होगा, एक जो बिजनेसमैन होगा, वो रेडी होना चाहिए और इंटरेस्टेड होना चाहिए इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बी रेडी टू पे इट्स प्राइस। सो इसमें भी यही है कि उसमें एक डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट विदाउट द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट नो अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। अगर मेरे अंदर किसी चीज़ की डिज़ायर ही नहीं होगी तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी। सो इसमें भी यही है कि एक जो बिजनेसमैन होगा, जो एक एंटरप्रेन्योर होगा, उसमें ये डिज़ायर होना चाहिए कि उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है। तो अगर उसमें ये डिज़ायर होगा तो ही वो अपने साथ साथ अपनी इकॉनमी को भी डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट कम्स सोशल डिटर्मिनेंट्स। सोशल डिटर्मिनेंट्स लाइक कास्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सोशली इम्पैक्ट होगा ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। एक अगर एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इकॉनमी के डेवलपमेंट पे पड़ेगा। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कंडीशंस हैं, अगर वो फेवरेबल होंगी तो इट मींस हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, अदरवाइज़ हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाएगी अगर जो गवर्नमेंट की कंडीशंस हैं या जो गवर्नमेंट के लॉज हैं वो क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे। तो नेक्स्ट कम्स रिलीजियस डिटर्मिनेंट्स। अब रिलीजियस डिटर्मिनेंट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लाइक कस्टम्स, बिलीव्स, कास्ट सिस्टम। सो ये कुछ रिलीजियस डिटर्मिनेंट्स हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब अगर एक पीस और प्रॉपर लॉ का एटमॉस्फेयर होगा स्टेट में तो जो इकॉनमी है वो ग्रो करेगी, अदरवाइज़ इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाएगी। सो ये प्राइमरी ड्यूटी होगी गवर्नमेंट की कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे विद इन द स्टेट। सो जहाँ एटमॉस्फेयर होगा पीस और प्रॉपर लॉ का तो वहाँ इकॉनमी भी क्या कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी। नेक्स्ट फ्रीडम फ्रॉम करप्शन।
अब इकॉनमी डेवलप कब कर पाएगी? जब हमारी इकॉनमी फ्री होगी करप्शन से, कोई भी इलीगल प्रैक्टिस जहाँ पे नहीं होगी। अगर हमारी इकॉनमी फ्री होगी करप्शन से, तो ही हमारी इकॉनमी क्या कर पाएगी? डेवलप कर पाएगी। ये थे नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट कम्स प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा इकॉनमी। अब प्रॉब्लम्स क्या रही हरियाणा इकॉनमी की? फर्स्ट इज एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, तो जो हरियाणा की इकॉनमी है वो क्या है? इट इज़ मेनली एन एग्रीरियन इकॉनमी, वेयर स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस में एंगेज है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द हरियाणा इकॉनमी कि जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पे, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस में एंगेज है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इन कंपैरिजन टू दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट कम्स रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ मीन्स जहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, कोई एक रीजन तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इट मीन्स जो रिच हैं वो और रिच हो रहे हैं और जो पुअर हैं वो और पुअर हो रहे हैं। तो इट मीन्स जहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होने की वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही। नेक्स्ट वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स, रेलवेज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल की फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? वीक हैं इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, जिसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही। सो नेक्स्ट इज़ पुअर सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स। पुअर सेक्स रेशियो होने की वजह से जो सोशल एंड मॉरल एविल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, एंड पुअर सेक्स रेशियो की वजह से इकॉनमी ग्रो नहीं कर पा रही। सो इट इज़ वन ऑफ दी अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द हरियाणा इकॉनमी। नेक्स्ट लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। सो इन कंपैरिजन टू मैनी अदर स्टेट्स, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन हरियाणा इज़ लो। सो इट इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। स्टिल हरियाणा लैक्स इन द मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। जो लेवल है टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या है? लो है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टेट के, उनमें भी क्या होगी? वेस्टेज होगी। सो इट इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हरियाणा इकॉनमी। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सो इट इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मोस्ट ऑफ द स्टेट रन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर रनिंग इन टू लॉसेज। इट मीन्स कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो एक स्टेट में रन तो हो रहे हैं लेकिन लॉसेस में हैं जो। सो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन यूनिट्स में यूज़ होने की वजह से जो इनकी एफिशिएंसी है वो भी कम हुई। सो इट इज़ अनदर बिग हिंड्रेंस और प्रॉब्लम ऑफ हरियाणा। सो हमने आज के टॉपिक में स्टडी किया नेचर ऑफ हरियाणा इकॉनमी, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा इकॉनमी। आई होप आप सबको आज की वीडियो क्लियर होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन एंड फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।